भारत और नेपाल क्रिकेट टीम के बीच खेले जाने वाले महामुकाबले में बारिश के आसार उतने ही हैं जितने भारत और पाकिस्तान के उस महामुकाबले में थे। जी हम बात कर रहे हैं भारत और नेपाल के बीच खेले जाने वाले मुकाबले की, एशिया कप का एक ऐसा मुकाबला जो दो टीमों का सुपर फोर का रास्ता तय करेगा। जैसे हमने आपको बताया कि भारत के लिए मस्ट विन मुकाबला है, तो नेपाल के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि नेपाल के लिए नहीं है, वो भी अपना बेस्ट टू बेस्ट देंगे ताकि भारत को हराकर वो सुपर फोर में जगह बनाए, क्योंकि हर एक टीम तो यही चाहती है ना कि उनके ओपोनेंट को हराए। हाँ, हालांकि अलग बात है कि वो भारत का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। भारत एक बहुत बड़ी टीम है और नेपाल क्रिकेट टीम एक उभरती हुई टीम है, लेकिन टक्कर दे सकती है। और जब तक मुकाबला ना हो फिर क्या मतलब, एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि भारत और नेपाल के बीच खेले जाने वाले इस महामुकाबले में ये वही जगह है जहां भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कैंडी पल्ले किले में जो खेला गया था, ये वही जगह है। वहां पर लगातार बारिश हो रही है और अब जहां पर मुकाबला भारत और नेपाल के बीच में होगा, वेदर फोरकास्ट वहां पर 90% तक बनाया गया है, मतलब 90% तक, मतलब मुकाबला पूरा होगा ही नहीं, ये बात तो आप अभी से तय कर लीजिए। लेकिन जब मुकाबला पूरा नहीं होगा तो टीम इंडिया क्या सुपर फोर में जगह बना पाएगी और फिर क्या बैठेंगे टीम इंडिया के समीकरण, क्योंकि टीम इंडिया के लिए तो ये मुकाबला जीतना जरूरी था। चलिए आपको पूरी पॉइंट टेबल समझाते हैं, आपको समझाते हैं कि अब इंडिया के लिए क्या रास्ते खुलेंगे अगर ये मुकाबला बारिश के हफ्ते चढ़ गया तो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, इंडियन सपोर्टर वीडियो को लाइक करें और चलिए जानते हैं उस पॉइंट टेबल के बारे में। वो पॉइंट टेबल तो हम आपको बताएंगे ही कि आखिर उसमें क्या बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन उससे पहले जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया उससे भी पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव आया है। पहले ग्रुप बी के बारे में जान लेते हैं। ग्रुप बी में अगर आप देखते हैं तो पहले पायदान पर नाम श्रीलंकन क्रिकेट टीम का आता है, बहुत ही अच्छा खेल दिखाया, एक ही मुकाबला खेला, एक ही जीता है, नेट रेट इनकी काफी अच्छी है और जिसकी वजह से ये पहले पायदान पर है। बांग्लादेश ने अपने ग्रुप के दोनों ही मुकाबले खेल लिए हैं और उसमें एक जीते हैं एक हारे हैं और फिलहाल दूसरे पायदान पर है, नेट रेट थोड़ा ठीक है। और अब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम तीसरे पायदान पर है, एक ही खेले हैं, एक ही हार गए और नेट रेट भी माइनस में है। अब देखिए यहां से दो टीमें कौन सी जगह बनाएगी, ये डिपेंड करेगा बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच उस महामुकाबले पर, वो मुकाबला कौन जीतता है। अगर अफगानिस्तान जीतेगी तो तीनों टीमों के पास दो दो पॉइंट हो जाएंगे, फिर जिनकी अच्छी नेट रन रेट है वो जगह बना लेगी। तो मतलब अफगानिस्तान को न केवल श्रीलंका को हराना होगा बल्कि कुछ 100-150 रन के मार्जिन से हराना होगा या इससे भी ज्यादा, ताकि वो जीते लेकिन जीत के साथ में उनकी नेट रेट अच्छी हो जाए, वरना मामूली जीत मिली तो भी आप बाहर हो जाएंगे क्योंकि आपकी नेट रेट खराब है। चलिए अब बात करते हैं इंडियन ग्रुप के बारे में, मतलब ग्रुप ए में, जहां पहले पायदान पर पाकिस्तान है, ऑफिशियली तरीके से क्वालिफाई करने वाली अभी तक की एकमात्र टीम है, दो में से एक जीता एक रद्द, 3 पॉइंट क्वालिफाई। अब पाकिस्तान को कोई माथापच्ची करनी ही नहीं है और इंडिया के लिए समीकरण ये बनते हैं कि जो पहला मुकाबला ड्रॉ हो गया था, रद्द हो गया था, बारिश के हफ्ते चढ़ गया था, इसीलिए वो दूसरे पायदान पर है। और नेपाल क्रिकेट टीम एक खेली एक हारी, 0 पॉइंट माइनस में नेट रन रेट और बहुत ही खराब नेट रन रेट। जैसा यहाँ समीकरण ये बन रहा था कि अगर इंडिया और नेपाल के बीच में मुकाबला होता है और इंडिया जीत जाती है तो फिर इंडिया आपको सुपर फॉर में दिखाई देगी, और जैसा कि लग भी रहा है क्योंकि मुकाबला होगा तो इंडिया की जीत तो तय है नेपाल के खिलाफ। अब कुछ तो मात्र भारत और नेपाल के मुकाबले को औपचारिकता बता रहे हैं, मतलब इंडिया की जीत तय है ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अब चूंकि जसप्रीत बुमराह भी नहीं खेल रहे, जैसे मैंने आपको पहले भी अपडेट दी है, लेकिन यहां से कैसे होगा कि अगर ये मुकाबला बारिश के हफ्ते चढ़ गया, अब यहां अगर बारिश हो जाती है तो आप इस पॉइंट टेबल में देख ही पा रहे हैं कि इंडिया के पास 1 पॉइंट तो पहले ही है, और अगर ये मुकाबला बारिश के हफ्ते चढ़ गया, रद्द हो गया, तो एक और पॉइंट मिलेगा, नेपाल को भी एक मिलेगा, तो नेपाल से ज्यादा इंडिया के पास 2 पॉइंट्स हो जाएंगे और उस मामले में इंडिया नेपाल से ऊपर आ जाएगा और वैसे वहां पर वो क्वालिफाई कर जाएगा। मतलब यहां पर किसी भी एक ग्रुप में टॉप टू टीमें क्वालिफाई करती हैं, तो यहां इंडिया बाजी मार जाएगा। तो अगर मुकाबला रद्द भी होता है ना तो इंडिया के लिए कोई ज्यादा दिक्कतें होगी नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि शायद नंबर 1 पर जाते तो आपको वहां एक क्रॉस कनेक्शन अच्छा मिलता, लेकिन चलो कोई नहीं, टीम इंडिया फिलहाल इस वक्त सुपर फोर में जगह बनाएगी अगर जो ये मुकाबला हुआ और जीता, अगर मुकाबला बारिश के हफ्ते चढ़ा तो इंडिया को ही फायदा होगा। हाँ, अलग वो बात है कि वो मुकाबला नहीं होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।